नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज बैंकिंग अवेयरनेस इस सेक्शंस में, इस ऑडियो सेक्शंस में हमारा टॉपिक है CRR, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, और जो दूसरा रेशियो है, दूसरा अनुपात है SLR, जिसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ये दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, ये पूरा ऑडियो सेशंस वी डिवाइडेड इंटू 3 पॉइंट्स है। तो इन 3 पॉइंट को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमारे लिए बैंकिंग इंटरव्यू के लिए और मेन एग्जाम के लिए या किसी तरह की टर्म को या इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये टर्म्स आपको इजीली समझ में आती है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टर्म्स। तो ऑलमोस्ट 3 पॉइंट इसमें हम कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक इंट्रोडक्शन पॉइंट, इसके बारे में मालूम होना भी इम्पोर्टेंस होता है। इंडिया के जो भी कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल बैंक है, अगर शेड्यूल बैंक आती है तो RBI एक्ट के तहत उनको शेड्यूल या जो शेड्यूल नंबर 2 आता है उसके अंतर्गत उसमें उनको अंतर्गत किया जाता है। तो RBI हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की या फाइनल सिस्टम की एक नींव होती है, एक रेगुलेटर्स होता है, एक कंट्रोलर होता है। RBI अगर स्ट्रांग है तो आम आदमी, जो कारोबारियाँ होते हैं या जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है उसके उसके ऊपर भरोसा होता है, इनडायरेक्टली हमारे गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा होता है। तो एज अ रेगुलेटर RBI जिस शेड्यूल बैंक के ऊपर किस तरह से रेगुलेशंस करते हैं, तो RBI के लिए कुछ टूल होते हैं। There are a number of tool by these through or through these through RBI ये banking sector को control करना चाहती है। तो first tools आते हैं, quantitative भी होते हैं और qualitative भी होते हैं। तो आज जो CRR और SLR है ये quantitative tools के अंदर आता है। तो ये tools को इस्तेमाल करके, application करके RBI ये bank either try its best way to regulate its loan activity or maybe somewhat extend to regulate its the deposit activities also। ये हमने introduction point देखा। हमने introduction point पे ये देखा कि जो अनुपात आज हम देखने वाले हैं CRR और SLR, ये दोनों किस तरह से workout करेंगे, ये दोनों इस तरह से workout करेंगे कि उनके ऊपर किसी bank का CRR घटाना हो या बढ़ाना हो तो ये RBI के निर्देश पे काम करता है। फर्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो को हम कैश नगदी आरक्षित अनुपात कहते हैं या रेशो भी कहते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको ये मानना जरूर पड़ेगा कि भारत में जो भी बैंक काम करती है उनके लिए RBI के निर्देश बहुत अहम मुद्दा होता है। तो उन्हीं की तरह कि जो भी बैंक में कुल कैश होता है, जो भी बैंक के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट होता है या अदर डिपॉजिट होते हैं, उनमें से कुछ हिस्सा या कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस ये किसी भी बैंक को RBI के पास या रखना जरूरी होता है, इसीलिए हम इसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है, बैंक के पास जितना कोई भी जमा राशि हो, जमा राशि से कुछ पोर्शंस RBI के पास रखना पड़ता है। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है, इसलिए इम्पोर्टेंस होता है कि अगर किसी टाइम में बैंक अगर कोई संकट में चला जाता है तो ग्राहकों को उनकी रकम निकालना जब जरूरी पड़ता है तो उस टाइम ये बैंक किसी भी हालत में इन ग्राहकों को पैसे देने के लिए मजबूर हो और दे मस्ट हैव एबल और उनकी एलिजिबिलिटी हो, ग्राहकों को उनके डिमांड पे पैसे देने की ताकत होती है। अगर हम एग्जांपल के साथ देखना चाहेंगे कि सपोज RBI ने सभी बैंकों के लिए CRR 4% किया, 4% किया उसका मतलब क्या होता है कि अगर बैंक के पास 100 रुपीज जमा राशि है तो बैंक को अकॉर्डिंग टू द RBI के निर्देश से 4% है तो 4 रुपीज बैंक हैज टू कीप विद द RBI। तो उस बैंक के लिए 4 रुपीज 100 रुपीज में चले जाते हैं ना, तो ओनली 96 रुपीज अवेलेबल होते हैं और ये 96 रुपीज भी ये बैंक
खुद के पास रहेगी या रूम की तरह वो मार्केट में या बाजार में वितरित कर सकती है। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देता है, अभी कितना था 4% था, अगर वो 5% बढ़ा देता है तो बैंक को ऋण वितरित करने के लिए या उनके पास जो भी राशि रहेगी वो कितनी रहेगी, 95 रहेगी। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आरबीआई सीआरआर की वैल्यू बढ़ाता है तो बैंक के पास बाजार में ऋण देने के लिए या नगद राशि वितरित करने के लिए जो सोर्स अवेलेबल होता है, वो जमा राशि अवेलेबल होती है, वह कम होती है। अगर ये सीआरआर का आम आदमी या बैंक के ऊपर क्या असर होता है, देखो हमने एक एग्जांपल के साथ ये देखा कि 4% से अगर 5% सीआर को बढ़ा दिया जाता है तो बैंक के पास ये कम मात्रा में अमाउंट अवेलेबल होता है, जो भी आम आदमी होते हैं, जो भी कारोबारी होते हैं, उनके लिए कर्ज देना बैंक के लिए कुछ लिमिटेशन आता है जब हम सीआरआर की वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में या बाजार में की लिक्विडिटी को बढ़ाना है, अगर समॉट एक्सटेंड लिक्विडिटी को क्रंच करना है, ये जो पैरामीटर्स आते हैं, अगर CRR को बढ़ा देने के बाद क्या होता है कि बैंक लोन ज्यादा वितरित नहीं कर सकती, इसीलिए क्रंच, जो लिक्विडिटी क्रंच है, उसको मेंटेन रखने के लिए आरबीआई इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है। जब नगद या कैश की तरलता होती है, इस तरलता के ऊपर असर करने के लिए, बदलाव करने के लिए आरबीआई इस टूल का यूज करती है। लेकिन वन थिंग इज बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ये कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता। ये इफेक्ट अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा देती है, कम कर देती हो, मार्केट में जो भी लिक्विडिटी होती है, तरलता होती है, ये इंस्टेंटेनियसली इमीडिएटली कम नहीं होती, उसका असर आने के लिए हमें टाइम लगता है। तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट देखा, सीआरआर का मतलब ये देखा, सीआरआर अगर रिजर्व बैंक बढ़ा देती है तो बैंकों के लिए उतना परसेंट उनकी जो नगद कैश होती है उनका हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो अगर सीआरआर बढ़ाने के बाद बैंक बाजार में ऋण ज़्यादा मात्रा में वितरित नहीं कर सकती तो जो लिक्विडिटी होती है, जो तरलता होती है, ये अब्सॉर्ब करने के लिए आरबीआई द्वारा ये कदम उठाया जाता है। आज के वीडियो का हमारा सेकेंड रेशोज है, जिसे हम अनुपात कहते हैं, उसे हम स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। स्टैचुटरी का मतलब होता है वैधानिक, लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, और रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अभी देखो, अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमी में कुछ अगर नकदी स्थिति होती है, कैश की स्थिति होती है, तो रिजर्व बैंक जिस तरह से कंट्रोल करता है, उनमें से जो सेकेंड क्वांटिटेटिव टूल है उसे हम SLR कहते हैं। तो जो भी जमा राशि बैंक के पास होती है, उस जमा राशि पे वन थिंग अकॉर्डिंग टू SLR जो होता है, तो उनमें से कुछ अमाउंट बैंकों को आइदर अपने पास से, दिस इज बेस्ट डिफरेंस होता है, CRR बैंक को RBI के पास मींस डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन SLR के लिए वैधानिक जो तरलता अनुपात होता है, वो बैंक जो भी अगर निर्देश मिलता है RBI से, 20% हो, 40% हो, उतने परसेंट का अमाउंट आइदर नगद के स्वरूप में, आइदर स्वर्ण भंडार के स्वरूप में, या आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट या जो वी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके सिक्योरिटी के स्वरूप में बैंक को रखना पड़ता। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था, नगद के स्वरूप में भी या स्वर्ण भंडार के स्वरूप में भी, या जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है, जो सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट की, उसके स्वरूप में उन्हें रखना पड़ता है। वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द RBI Act, RBI मैक्सिमम SLR 40% तक कर सकती है, और मिनिमम SLR जो होता है वो 4% के लिए कर सकती है। तो ये जमा पर जो होता है, अगर लोन देना होता है तो लोन देने के पहले बैंक के लिए ये दो रेशोज होते हैं कि कैश रिजर्व रेशोज होता है और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशोज होता है। तो ये दोनों रेशो या उनकी जो नगद अमाउंट होती है, वो ये नगद अमाउंट छोड़ के बैंक डेफिनेटली ये ऋण प्रदान कर सकती है। तो हम SLR का आम आदमी के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर या कारोबारी के ऊपर किस तरह का असर होता है, तो SLR को अगर बैंक बढ़ा देती है
तो डेफिनेटली तो बैंकिंग के पास लोन देने की क्षमता कम हो जाती है। तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए SLR को बढ़ा दिया जाता है RBI की तरह। ऐसा क्यों किया जाता है? मानो कोई भी बैंक अगर मुश्किल परिस्थिति में फंस जाती है, मे बी ज़्यादा अमाउंट में डिफॉल्टर बन जाते हैं, तो इस परिस्थिति में ग्राहकों के पैसों की कुछ हद तक RBI ये कोशिश करता है उनके लिए कुछ भरपाई हो, कुछ कंपेंसेशन हो, तो उस टाइम ये SLR काम करता है। अगर हम कहते हैं कि 20% SLR है, तो उसका मतलब होता है बैंक के पास जितनी जमा राशि होगी उनमें से 20 रुपीज की इक्विवेलेंट अमाउंट आइदर ये पूरी कैश के स्वरूप में, क्या स्वर्ण भंडार के स्वरूप में, आइदर गवर्नमेंट के सिक्योरिटी के साथ वो रख सकती है। तो ये हमने सेकंड पॉइंट देखा। अगर आज के वीडियो का ये लास्ट थर्ड पॉइंट होगा कि CRR और SLR में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट हमने लॉन्ग फॉर्म देखा, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो, SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि CRR कुछ राशि होती है RBI के पास, यहाँ पे हम डिपॉजिट करते हैं बैंकों के लिए, लेकिन SLR ये जमा राशि का कुछ परसेंटेज होता है जो बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि CRR एक जो लिक्विडिटीज होती है, हम जिसे मॉनिटरी के रूप में ओनली बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, ओनली कैश फॉर्म में उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास CRR रेशो जो मेंशन किया हुआ है वो मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन SLR के लिए आइदर ये नगद के स्वरूप में, स्वर्ण के स्वरूप में, या RBI द्वारा जो भी सिक्योरिटीज अप्रूव की जाती है उसके रूप में वो अपने पास रख सकते थे। ये हमने थर्ड पॉइंट देखा। नेक्स्ट, CRR का यूज क्यों किया जाता है? मोस्टली इन्फ्लेमेशन और जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, अगर बैंकों को लगता है कि या तरलता लिक्विडिटी बढ़ाना चाहिए तो डेफिनेटली CRR कम किया जाता है। तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए CRR का इस्तेमाल किया जाता है RBI द्वारा। और SLR के बारे में, अगर जमाकर्ता डिपॉजिटर अपनी पैसों की मांग करते हैं इस बुरी हालात में या मुश्किल टाइम में, ये बैंकों के लिए या RBI के लिए शायद कुछ कंपेंसेशन उनको देना इजी हो, इसलिए इस साल का हमारे पास एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होता है। तो CRR डेफिनेटली लिक्विडिटी को नियंत्रित करने का काम करता है, लेकिन SLR की अगर हम बात कर लेते तो ये क्रेडिट सुविधा को नियंत्रित कर लेता है। अप्रोक्सीमेटली आप देखो CRR कितना होता है, 4-5% के बीच होता है, तो उनका पर्पस लॉन्ग टर्म का असर होता है, लेकिन वो जो लिक्विडिटी या तरलता को नियंत्रित करने का काम करता है। लेकिन SLR मोस्टली बैंक अगर डिफॉल्ट कंडीशन में चली जाती है और ग्राहकों की मांग होती है तो उस टाइम में वो पूरी करने के लिए दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट जो डिफरेंस है CRR के बीच, जितनी भी अमाउंट, जितना भी रेशोज RBI के पास बैंकों को रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू CRR में, उसके ऊपर कुछ ब्याज नहीं मिलता, लेकिन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के ऊपर जितना भी परसेंटेज वो अपने पास में रखती है उसके लिए वो ब्याज मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, CRR और SLR ये RBI के क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के लिए CRR का इस्तेमाल किया जाता है, और हमने क्रेडिट सुविधा को बनाने रखने के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए SLR रेशो का यूज किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको दोनों के भी लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म और दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। आपके साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए इस तरह से समझना उतना भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह के ऑडियो, वीडियो और MCQ पाने के लिए आप हमारे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बने रखे, यह आपसे दरख्वास्त है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग टारगेट विद प्रोफेसर पीस पॉजिटिव वे। वी रिक्वेस्ट यू टू बी अ वॉलंटरी डोनेटर टू बिकम अ प्राइम एंड ट्राइड मोटिवेटर।